पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड रहा। ज्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो दर्ज हुई है। सबसे अधिक वर्षा मयूरभंज के रास गोविंदपुर में 58.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पालकमंडी का 35 डिग्री सेल्सियस और भुवनेश्वर का 29.4 और कटक का 29.3 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बात करें सीजनल टोटल की तो 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक अभी तक जो रेनफॉल है 489.5 मिलीमीटर दर्ज हो चुकी है, जो सामान्य से जो अभी भी 11% नीचे चल रही है। अगर मैं सिर्फ जुलाई के महीने में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तो उसमें एक्चुअल रेनफॉल 335.9 मिलीमीटर हुई है, जो कि नॉर्मल सामान्य वैल्यू से 341.4 मिलीमीटर है और जुलाई महीने का सिर्फ डिपार्चर जो -2% है। सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें तो एक मानसून ट्रफ जो कि है गंगानगर, हिसार, दिल्ली, हरदोई, डेहरी, पुरुलिया, सागर आइलैंड से होती हुई ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ से जाती हुई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही है। दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि झारखंड और नेवरूड के ऊपर थी, अभी वो गंगेटिक वेस्ट बंगाल और नेवरूड के ऊपर है और समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर हाइट तक बना हुआ है। उसके अलावा एक शियर जोन है जो कि 20 डिग्री नॉर्थ के ऊपर बना हुआ है, जो कि समुद्र सतह से 4.5 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर बीच में बना हुआ है। तो इन तीन सिस्टम के प्रभाव की वजह से आज भी पूरे उड़ीसा में जो है ज़्यादातर स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा जो बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, कटक, जयसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, केवंझर, मयूरभंज, इन सब एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल हो सकती है इन सिस्टम के प्रभाव की वजह से। डे टू में सोनपुर, संबलपुर, अनुगुल, बोध, ढेंकनाल, कटक यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। मीन जो बारिश की मात्रा है 7 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में होने की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा नुआपाड़ा, कलांडी, बलांगीर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, जाजपुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, खुर्दा, नयागढ़, इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। डे थ्री में बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, सुंदरगढ़, केवंझर, इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है।